ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे दीपक में फूल भी बन रहा है अपनी तरफ से। हम जप तप ध्यान व्रत पूजा पाठ जो हमसे बन पड़ता है हम अवश्य करते हैं। भगवान भी शुभ संकेत दे रहे हैं, दीपक में फूल बन रहा है, परंतु मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। कई प्रयत्न कर लिए, कई जत्न कर लिए, हर तरह का कार्य कर लिया जो अपने से संभव हो सके। क्या कारण हो सकता है, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। जैसे कि भगवान शुभ संकेत दे रहे हैं, आपके दीपक में अलग अलग आकृतियां बन रही हैं, तो ऐसे में सबसे पहला आपको अपने घर के आसपास यह चेक करना है कि आपका मंदिर किस दिशा में है। मंदिर हमेशा जैसे कि ईशान कोण में मौजूद होना चाहिए। अपने घर पर आप चेक कीजिए कि आपका मंदिर किस दिशा में है, किस दिशा की ओर आप जप कर रहे हैं, किस दिशा की ओर ध्यान कर रहे हैं, किस दिशा की ओर आप बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। क्या यही तो वह कारण नहीं है जिसके कारण आपको व्रत का जो है वह फल नहीं मिल पा रहा है। भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपकी आराधना का जो फल है, पूजा का जो फल है, वह आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको यह बात चेक करनी है कि आपका मंदिर किस दिशा में है, आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर आप पूजन करते हैं, कहाँ बैठकर आप मंत्रों का जाप करते हैं। तो सबसे पहले कार्य आपको यही करना है। दूसरा कार्य करना है अपनी जो है कुंडली का आपको एक बार विश्लेषण जीवन में अवश्य कराना है। कहते हैं हर 12 साल बाद जो है ग्रहों की दशाएं पूर्ण रूप से बदलती है, जीवन बदलता है। ऐसे में आपको आपकी बहुत ज़्यादा यह परेशानी हो रही हो, सारे व्रत त्यौहार करके देख लिए, समस्त कार्य करके देख लिए, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण कराए करवा के फिर उसी के अनुसार आपको अपनी उसी दिशा में पूजा करनी चाहिए, उसी दिशा में मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों का दान करना चाहिए। विशेष रूप से ग्रह दशाएँ जो है जीवन को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती हैं। आपने बड़े बड़े राजनेताओं को, अभिनेताओं को अपने नाम के आधार पर या अन्य चीज़ों के आधार पर कुंडली का, अंबानी, कई तरह के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वह हमेशा ज्योतिष से सलाह लेकर ही अपनी जो है दिनचर्या का आरंभ करते हैं, और साथ ही किसी कुर्सी पर बैठते हैं, किसी मंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों से पूछकर ही करते हैं। तो एक बार यह कार्य अवश्य करवा के देखिए। इसके पश्चात जो करना है आपको, वह करना है अपने कुल देवी देवताओं का नाम अवश्य लेना है पूजा पाठ के दिन। जब भी आप सुबह शाम पूजा करें या किसी विशेष पूजा में या कोई भी कारण हो सकता है, अपने कुल देवी देवताओं का आपको अगर पता नहीं है, आप उनका नाम नहीं लेते, उन्हें याद नहीं करते, तो बहुत बड़ी वजह हो सकती है मनोकामना पूर्ति न होने की। वह हम हर एक कार्य में व्यवधान अवश्य डालते हैं। तो अपने बड़े बूढ़ों से आप पूछिए कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं। विशेष रूप से अपने बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दीजिए, उन्हें यह बताइए, अगर आपको पता है कि कुल देवी देवता कौन है तो उन्हें अवश्य बताइएगा। उनके नाम की पूजा आपको एक बार जीवन में कुल देवी देवताओं की अवश्य करानी चाहिए। रोज उनका नाम लेना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके गांव जाकर उनकी पूजा करानी चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण होते हैं कुल देवी देवता। इसके बाद जो आता है चतुर्थ नंबर, वह है पितरों को आपको विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहिए। पितरों के नाम का दान पुण्य, और सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो तिल मिश्रित कर लीजिए, और साथ ही पीपल के वृक्ष में पितरों के नाम का दीपक लगाइए। पितरों के नाम की एक रोज रोटी आप दान कीजिए। एक विशेष रूप से पितरों के नाम का कोई ना कोई कार्य जो पितरों से संबंधित होता है आपको अवश्य करता है करना है। जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो धन संपत्ति संतान, विशेष रूप से वंश वृद्धि, पुत्र की प्राप्ति, पितरों का विशेष रूप से योगदान होता है धन संपत्ति इत्यादि में। तो पितरों के नाम का आपको कुछ ना कुछ दान करना है। उन्हें पूजन के समय आपको उनका नाम अवश्य लेना है, पूजा के बाद उन्हें वह अवश्य याद करना है, उनके नाम का जो आपसे संभव हो दान अवश्य करना है। इसके बाद आपको जो है अपनी ग्रह दशाओं को मजबूत करने के लिए
सप्त धान्य सप्त अनाजा नाम से जिन्हें बोला जाता है, किसी भी परचून की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। उसकी रोज एक एक मुट्ठी आपको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेनी है, और आपको आप चाहें तो रोज एक एक मुट्ठी आप कबूतरों को डाल सकते हैं, या मछलियों को डाल सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं, या एक साथ इनको दान देना बेहद शुभ माना जाता है और ग्रह दशाओं को साथ ही यह मजबूत करता है। तो इन कार्यों में से आपको एक अपनी ग्रह दशा और घर पर सुख समृद्धि के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करना है। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।